विधानसभा स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कृष्णा जिनिंग परिसर में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बुधवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम इनाम 25,000, द्वितीय इनाम 11,000 रखा गया है। यह प्रतियोगिता 25 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। महेंद्र भैया, मेरे दोस्त भाई फैयाज भैया, रिंकू के आदरणीय पापा जी, भाईजान हमारे तिवारी जी, इस पूरे कार्यक्रम को कर रहे आदरणीय आकाश भैया, रिंकू भैया चौहान, भाई रिंकू, आकाश भैया, मोंटी भैया, चौहान जी, इन सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये जो मैदान है, ये मैदान इतना वीरान पड़ा था, इतना गंदा था, पत्थर थे, और आपको ये पता है कि ये मैदान में सैकड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं डेली। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि 2018 नवंबर के बाद में जो ये ऐतिहासिक मैदान है, जो भारत की सबसे अच्छी सामूहिक विवाह यहाँ होता है हमारी बहनों का, उस विवाह को हमें 22 अप्रैल को करना था, तो हम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय था कि ये मैदान में कैसे होगा। लेकिन आज दिल बहुत प्रसन्न है कि आप सब लोगों ने मिलके इस मैदान को यहाँ पर ठीक करा। मैं आप सब लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि मैं काफी देरी से आया, क्योंकि मेरे यहाँ घर पे खुद भतीजी की शादी है और बहुत सारे विवाह थे क्षेत्र में, तो सुबह 7 बजे से ग्रामीण क्षेत्र में निकल गया था, तो थोड़ा देरी से आया। मित्रों, मैं ओपीबीआर से आप सबकी तरफ से एक निवेदन करूंगा कि नगर पालिका हमारी नागदा की एक क्लास की नगर पालिका है, और मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा खेल महोत्सव यहां पर हो नागदा में, जिसमें एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, हमारा बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, कैरम हो, इतने सारे खेल हमारे यहां पर हो, क्योंकि नगर पालिका आप सबके आशीर्वाद से बनती, और इसलिए हम यहां पर एक चीज मैं जरूर आपको बताऊंगा कि जब आप सबके आशीर्वाद से 2013 से 18 में मैं विधायक था, तो इस विधानसभा में एक भी स्टेडियम नहीं था, एक भी स्टेडियम। हमने नागदा का स्टेडियम माननीय गहलोत जी के सहयोग से बनाया, खाचोद का स्टेडियम बनाया, गिनोदा का स्टेडियम हमने बनाया, यहाँ पर कबड्डी की एक भी मैट नहीं थी, एक भी, जबकि कबड्डी के कई ऑल इंडिया राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे नागदा से गए। हमने नागदा नगर पालिका को मैट दिलाई, खाचरोद को दिलाई, इवन और हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी, जैसे हमने बोर दिया बर्थोन, अभी भी मैंने बड़ा गांव और रूनखेड़ा के लिए मैट के लिए कह रहा था बहुत जल्दी हमको मैट मिलेगी। यहाँ पर बॉक्सिंग की एक भी मैट नहीं थी, हमने खाचरोद में बॉक्सिंग की मैट दिलाई, और अभी आपको प्रसन्नता होगी कि जो हमारी बहन खाचरोद की, जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा और गोल्ड मेडल लिया, वो भी शिशु मंदिर के उसमें हमने वहां पर बॉक्सिंग की मैट दिलाई, पूरा किट दिलाया, और ये सारी चीजें हुई। और इसलिए खिलाड़ियों के लिए हम जो जो कर सकते हैं, आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा, पूरे विधानसभा क्षेत्र में 40 व्यायामशालाओं में हमने सामान दिलाया 5 साल के अंदर, 40 व्यायामशालाओं में, जिसमें हमने यहाँ पे नगर पालिका जब भारतीय जनता पार्टी की थी तो यहाँ पर हमने जिम का करा, खाचरोद के अंदर जिम का करा, और लगभग 42 व्यायामशालाओं में हमने आर्थिक मदद भी करी और उनको पूरा सामान भी दिया। ये केवल हमने 5 साल में करा, इसलिए करा कि अब तो राजनीतिक में सक्रिय होने के कारण, नहीं तो मैं भी, चाहे कबड्डी हो, एथलेटिक्स हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई खेल में ऐसा नहीं जिसमें केवल खेला नहीं, संभाग और स्टेट की टीम में भी रहा हूं मैं। इसलिए मुझे पता है कि खिलाड़ी, और मेरा मानना है कि युवा अगर स्वस्थ होगा तो मन बुद्धि से भी वो स्वस्थ होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और इसलिए मैं इस क्रिकेट टीम के आज इस उत्सव के शुभारंभ पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, और आप सबसे चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा के ओपीबीआर को ये कहो कि आपको कराना ही है एक बड़ा टूर्नामेंट नगर पालिका की तरफ से, जिसमें एक बड़ा खेल महोत्सव, बड़ा खेल
उत्सव हो ताकि नागदा पूरे मध्य प्रदेश में पहचाना जाए। देखो ऑल इंडिया कबड्डी कराओ, नाइट का बढ़िया टूर्नामेंट करा, उसमें अच्छा प्राइज रखो, खिलाड़ियों को हम जो दे सकते हैं वो भी उनको सक्षम बनाने के लिए करो। मैं मंच पर बैठे हुए सारे लोगों का स्वागत करता हूं। और भाई चौहान ने मुझे कहा कि एक हमारा खिलाड़ी है यहाँ का, उसका नाम है अली भैया, उसने 25 बॉल पे 100 रन है क्या यहाँ पे? अच्छा उज्जैन गया। 25, जो जोरदार ताली बजाओ हमारे ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने 25 बॉल पे सांसद ट्रॉफी में 25 बॉल पे 100 रन बनाए। मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों का आप रिपोर्टर से स्वागत करें। सबसे पहले आप ही फूल चढ़ा दो। सभी अतिथियों का स्वागत करें। वो बात हो गया यार, उधर बाकी लोगों का सभी लाइन अप हो जाए, सभी लाइन अप हो जाए। पति तो हमारे बीच में बता चुके हैं, माइक देके जाना।